भी लोग घेर लेते हैं, आप लोग प्यार करते हैं, पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं ये सच्चाई भी आपको बता दूं। इसलिए मैंने लिखा कि कभी रवीश कुमार मत बनना, क्योंकि जब जिस दिन जब मैंने लिखा, मैंने देखा कि तीन लड़के जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं वो दोपहर से मेरा इंतजार कर रहे थे मेरे दफ्तर के बाहर, और जाते ही उन्होंने कहा कि सर मिलके बड़ी खुशी हुई, हम आपका इंतजार कर रहे थे। तो बात करने लगे तो मुझे लगा कि इन बच्चों को, उनमें हो सकता है कि आने वाले 10 साल के बाद मेरे भी अपने बच्चे हों, इन्हें सही बात नहीं बताई गई है। 19-20 साल के बच्चे जब पत्रकारिता के क्लासरूम में पहुंचे हैं, वहां हम 4-5 लोगों का वीडियो बनाकर दिखाया गया है। जाहिर है हम टेलीविजन पर 2 घंटा 2.5 घंटा रहेंगे तो एक लार्जर देन लाइफ बनेगी, कभी चीखेंगे कभी चिल्लाएंगे तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है, शायद यही सिस्टम का विकल्प है, और ये कितने इकबाल से लोगों से सवाल पूछ रहा है, उसको धमका रहा है, उसको गरिया रहा है। और यही करते करते आप लोगों ने भी इसमें मदद की और हमने भी इसमें खूब सक्रियता निभाई कि हम इस तरह से बन जाएं कि हम सरकार को गरियाने का एक मुक्का बन जाएं। इससे ज्यादा हमारी भूमिका समाप्त नहीं होती जा रही है और सीमित हो रही है। इसका नुकसान यह हो रहा है कि जब 20 रिपोर्टर बनते हैं, 2 घंटे के स्लॉट को भरने के लिए आपको कम से कम 20 से 25 रिपोर्टर चाहिए, और उनमें से 10 से 15 रिपोर्टर ऐसा होना चाहिए जो किसी भी संस्थान में या इस पेशे में 10 से 15 साल गुजार चुका हो, तभी वो अधिकार से रात को पेश की जाने वाली खबरें पेश कर सकता है, ला सकता है, उस इकबाल से उस संपूर्णता के साथ जिम्मेदारी के साथ वो पेश कर सकता है, तभी वो 1.5 घंटा भरेंगे। जब 1.5 घंटा में अगर 10 से 15 खबरों की प्रस्तुति होगी तो सोचिए कि सरकार भी कितनी बेहतर होगी, हमारा नागरिक भी कितना बेहतर होगा कि उसे एक मुद्दे के अलावा 10 और पहलुओं के बारे में, 10 और खबरों के बारे में पता चलता है, तो आप एक बेहतर मतदाता बनते हैं। लेकिन उन 20 को समाप्त कर टेलीविजन सेट पर जब एक को बिठाया जाता है और उससे जब अपना नाता जोड़ते हैं, तो कभी ईमानदारी से अपना मूल्यांकन कीजिएगा, बीपी चेक कराइएगा, आप एक कमजोर मतदाता या कमजोर नागरिक में बदलते चले जा रहे हैं। जब मैं नहीं होता हूं तो कई लोग ये कहते हैं कि मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी कि आपके साथ क्या हुआ, आप क्यों नहीं आ रहे हैं, छोड़ के तो नहीं चले गए। ये रिश्ता मैं नहीं चाहता, ये रिश्ता आप किसी फिल्म स्टार से जोड़ लीजिए, किसी नेता से जोड़ लीजिए, किसी लेखक से जोड़ लीजिए, लेकिन पत्रकारिता एक सिस्टम की चीज है और हम सब लोग जो आज हीरो हैं उस सिस्टम की समाप्ति, उसकी मौत के, उसकी कब्र पर खड़े हुए वो फूल हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। तो जब आप मुझे सेलिब्रेट करते हैं, दरअसल आप मुझे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, आप इस सिस्टम की एक खराबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि कभी रवीश कुमार मत बनना। उन लड़कों से प्राइवेट स्कूल बहुत खुल रहे हैं, बुनियादी सवाल क्या है? आज आप पत्रकारिता में आए तो 10,000 रुपए की नौकरी ढंग की नहीं मिलती, 15,000 की नौकरी नहीं मिलती है, पता नहीं है, लेकिन अनगिनत विद्यालय विश्वविद्यालय खोल दिए गए हैं प्राइवेट, और जब पता चला कि वहां 10 से 12 लाख रुपए की फीस ली जाती है, अपने खाते में 10 से 12 लाख रुपए देखने में 10 से 12 साल गुजर गए, और इस पढ़ाई के लिए छात्रों से 10 से 12 लाख रुपए की फीस पढ़ने के लिए पहले दिन से ली जा रही है, जिस पढ़ाई का अकादमिक विस्तार या निर्माण अभी भारत में नहीं हुआ है। साधारण सी बात है कि जिस हिंदी टेलीविजन में 4 अच्छे पत्रकार नहीं हुए, उस हिंदी को पढ़ाने वाले टेलीविजन को इतने अच्छे शिक्षक कहां पैदा हो गए, किधर से आए, जो आपके बच्चों से 15-15 लाख रुपए वसूल रहे हैं। और उन बच्चों ने भी सवाल पूछना छोड़ दिया है कि क्या ये पढ़ाई हम सरकार के बनाए किसी विश्वविद्यालय में 10,000 से 15,000 रुपए की फीस देकर नहीं पढ़ सकते हैं। वो इसलिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि उन्हें क्लासरूम में हमारा ऑडियो विजुअल बनाकर लार्जर देन लाइफ एक हीरो की तस्वीर के रूप में हमें पेश किया जाता है। तो हम इस्तेमाल हो रहे हैं अपने ही चाहने वालों के लूटे जाने में। जो मुझे पसंद करता है, जो मेरे नाम को पसंद करता है, वो मेरे नाम से अलग अलग प्राइवेट विश्वविद्यालयों में लूटा जा रहा है। इसलिए मुझे लिखना पड़ा कि कभी रवीश कुमार मत बनना, अपना अपना रास्ता देखो, अपना अपना रास्ता बनो। मुझे भी नहीं मालूम कि जो मैंने किया है वो कितना सही है,
आज टीवी के प्रभाव में उसका एक असर होता है, तो उसकी तात्कालिकता में बहुत से लोग कहते होंगे कि हाँ आज ये बात अच्छी लगी। पता नहीं 2 साल बाद जब उसका देखेंगे और अन्य चीजों से उसका मिलान करेंगे उस वक्त की हकीकत से, दूसरे सोर्सेस से, तभी जाकर हमारा सही मूल्यांकन हो सकता है कि हम उस दौर में जो बात कह रहे थे वो बात कितनी करीब है उससे सत्य के। तो हमारा जो इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए शिवम मैंने कहा कि नहीं बनना चाहिए और ये नाम अब तकलीफ दे रहा है। मुझे अब अफसोस है इस बात का कि थोड़ा कम लोग जानते तो मुझे ज्यादा मौका होता ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए। अब जब जान गए हैं तो जहां मैं पहुंचना चाहता हूं वो पहले ही से मुस्कुरा देते कि हाँ आप तो ऐसा ही पूछेंगे, हाँ आप तो ऐसा ही करेंगे। तो मेरे लिए कुछ नया होने में और कुछ नया करने में बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। तो इस नाम से मेरा दम घुट रहा है, इसे बनाया आप लोगों ने है, मैं चाहूंगा कि इसे बिना किसी तकलीफ के आप वापस ले लें और मेरा वो एकांत अकेलापन लौटा दें जहां फिर से मैं बाकी जिंदगी के हिस्से में चलूं, देखूं, जानूं और उन खबरों को लेकर आऊं जिन्हें देखते हुए मुझे भी हैरानी हो और आपको भी हैरत हो कि आज कुछ नई चीज देखी। जब नाम बन जाता है तो वो चीज पुरानी हो जाती है, उसमें हर दिन नएपन की संभावना समाप्त होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो उन बुनियादी सवालों को उठाते रहिए और समझिएगा कि ये डिबेट टीवी क्यों आया। ये जनमत को मारने की प्रक्रिया है, 7 घोड़े लगाकर 7 लगाम अपने हाथ में रखने की प्रक्रिया है। ये आपकी किस्मत है कि उन 7 में से 1-2 घोड़े बिदक गए, आपकी किस्मत है। लोकतंत्र की बुनियादी शर्त यही है कि उसमें विविधता की असीम संभावनाएं पैदा हो। जब भी आप एक नेता, एक पत्रकार, एक अफसर में उम्मीद देखने लगते हैं, तभी तभी आप उस हकीकत को नहीं देखते कि इतना बड़ा देश, इतने बड़े विविधताओं के सवालों से भरा देश कहां जाएगा, उसकी बात कौन करेगा। जितनी चिट्ठियां लोग देश भर से लिखते हैं वो मैं पढ़ नहीं पाता हूं, उनका बोझ बढ़ गया मेरे सीने पे। और वो हर चिट्ठी जो है वो खबर करने लायक है, हर चिट्ठी किसी ना किसी से इंसाफ मांगती है, किसी ना किसी से आवाज मांगती है। तो पत्रकारिता में जो इस तरह से नायक पैदा किए जा रहे हैं, मेरी खबर पसंद की जाए, मेरे अलावा और भी 10 लोगों को जगह मिले, उनकी भी खबर पसंद की जाए, वो भी चर्चित हो, वो भी मशहूर हो, तो मुझे उससे एतराज नहीं है। मैं अपनी पूरी अपनी फितरत में, ट्रेनिंग में यही पाया हूं कि जमींदारी सिस्टम का विरोध करना है। मैं नहीं चाहता कि मैं खुद जमींदार बन जाऊं, नौकरी मेरी भी जरूरत है, लेकिन मैं किसी समस्या का कारण नहीं बनना चाहता। तकलीफ होती है, ये रात को टेलीविजन पे जो हो रहा है फिक्स है। आप कोई भी सवाल पूछिए, कैसे मुमकिन है कि वही प्रवक्ता जो कल भारत पाक समस्या पे बोल रहा था वो कश्मीर की जटिलताओं पे भी बोल रहा है और बिहार के बाढ़ पे भी बोल रहा है। क्या ये मुमकिन है? क्या आप ऐसा देश चाहते हैं? यही प्रक्रिया जिस तरह से पत्रकारिता में 5 टेलीविजन के पत्रकारों को रख दिया गया है, यही चीज पार्टियों में भी हो रहा है कि 5 प्रवक्ताओं को रख दिया गया है। हो सकता है कि उन्हीं पार्टियों में बड़े बड़े ज्ञानी सांसद हों, तमाम निराशाओं के बावजूद उसी कांग्रेस, उसी बीजेपी, उसी आम आदमी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड या तमाम तरह के दल तृणमूल में बहुत अच्छे अच्छे ऐसे सांसद मिल जाएंगे जो टेलीविजन पर आए तो कम से कम उन मुद्दों को समझा सकें कि जिससे आपको 2-3 पहलुओं का पता चले। लेकिन उसके बजाय उन सवालों को ऐसा पेश किया जाता है कि जैसे वो प्रवक्ता नहीं, सीधा प्रधानमंत्री बैठे हों, सीधा मुख्यमंत्री बैठे हों, तो वो उसे एक हम नाटक में बदल दें। ये बात इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी, इस बात को समझने में मुझे भी बड़ा वक्त लगा, लेकिन लगता है कि ये बात बतानी पड़ेगी, इसीलिए ये बात बता रहा हूं कि आपके देश में या दुनिया भर में टेलीविजन तमाम बुराइयों के बावजूद आपके हक में संभावनाओं का सबसे बेहतर माध्यम है, आपकी आवाज का सबसे बेहतर माध्यम है, उसमें देखा जाता है, सुना भी जाता है, होते हुए देखा जा सकता है।
लेकिन उन संभावनाओं को कोई कुचल रहा है। वो आसान है प्रक्रिया, 5-6 लोगों को साधने के जरिए, तो समझिएगा, नहीं तो देखिए कि एक एक एंकर राष्ट्रवाद का प्रतीक बनता चला जा रहा है। राष्ट्रवाद ना हो गई, गाय हो गई है, जैसे गौ रक्षक हो गए, जहां तहां लोगों को पीटते चल रहे हैं। अब वही दूसरा मसला हो गया है राष्ट्रवाद का। तो ये जो सांप्रदायिकता के जो चेहरे हैं, जो भेड़े लड़ाई जा रही हैं, इनसे सिर्फ एक बात को लेकर सतर्क रहिएगा, कमियां हम में भी हैं, कमियां आप में भी हैं, पर इसका कोई भी वैधानिक कारण मौजूद नहीं है कि हम उन कमियों को लेकर एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाल लें और नफरत फैलाएं। टेलीविजन आज इसीलिए ये कर सका है कि वहां पर बैठे हुए 5 महाबोर लोग बैठ गए हैं, वहां से वो कई साल से वहां बैठे हुए हैं, वो अपने बैठे होने की स्थिति से बोर हो चुके हैं, तो अपनी बोरियत से वो खुजला रहे हैं, अपने आप को झुंझला रहे हैं और खींच निकाल रहे हैं, और आपकी हर बात को वो उस राष्ट्रवाद से ले जा रहे हैं जिसकी जो अंतिम बस स्टॉप है वो हिंदू बनाम मुस्लिम है। अगर आपको टीवी देखकर नफरत ही सीखनी है, अगर आपने यही तय कर लिया है, तो मैं आपके 1000 रुपए बचा देता हूं, आप अखबार और टीवी पढ़ना देखना बंद कर दो। आपके 1000 रुपए बचेंगे, वो 1000-1000 रुपए ड्राफ्ट से मेरे घर भिजवा दीजिए और आप नफरत करते रहिए, उस नफरत की आग में जल जाइए, भुन जाइए, मिट जाइए, मेरा घर भर दीजिए, टीवी अखबार बंद कर दीजिए। कितना सस्ता उपाय बता रहा हूं नफरत का, ऐसा ओरिजिनल विटामिन किसी ने नहीं दिया होगा। आप नफरत भी करें, आपका 1000 रुपया भी बचा दिया। ऐसा बिजनेस प्रपोजल स्टार्टअप कौन लाया? ये आपके टीवी में हो रहा है, हर दिन न्यूज एंकर ऐसे मुद्दों को क्यों लाता है? जहां आप सनक के स्तर तक पहुंच जाएं, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ये बात कि कोई आपको आग में जला रहा है, और इतिहास के किसी भी पन्ने को पलटकर देख लीजिए, जितने भी दंगे हुए हैं उससे किसी को कोई लाभ नहीं मिला है, सिर्फ लाशें गिनी जाती हैं, और जो लोग भाषण देते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए ये जो टेलीविजन पे जो चल रहा है उसको समझिए। अचानक आपके देश में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि राष्ट्रवाद को लेकर रोज किसी ना किसी बहाने चर्चा की जाए। ये 1000-1000 रुपए आप बचा लें और अपना नफरत अपने पास रखें। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं झुका हुआ हूं, मैं बताया जैसे कि मैं तो वहीं खड़ा हूं जहां खड़ा हूं। मैं इतना कह रहा हूं कि इस वैश्विक दौर में टेलीविजन आपको पागल बना रहा है, आप पागल मत बनिए। अपने पड़ोसी पे विश्वास कीजिए, अपने नागरिकों पे विश्वास कीजिए, संवाद कीजिए। यह हमारा काम था कि हम आपके संवाद में तरह तरह के पहलुओं से आपको सक्षम करें, फिर आप खुद निपट लेंगे। आपने इस लोकतंत्र में तमाम संकटों को झेला है, आपातकाल को झेला है आपने, आप वहां से निकाल कर लाए हैं, लेकिन एक जनता बनाने की प्रक्रिया हो रही है। जो जनता और पत्रकार, ये दो ही तटस्थ रूप होते हैं लोकतंत्र के, ज्यादा से ज्यादा तटस्थ होते हैं, तटस्थता के करीब होते हैं जनता और पत्रकार, लेकिन ये सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए इनको समर्थक में बदला जा रहा है कि हर मुद्दे से लगातार ऐसे मुद्दे खड़े किए जाएं जिससे आप लाइन लेने के लिए मजबूर हो, और आप इन 5 सालों में जनता की भूमिका को छोड़कर आप समर्थक की भूमिका में आ जाएं, और वो नाम बुरा ना लगे इसलिए आजकल नेता आपको फैंस कहने लगे। ये खतरनाक प्रक्रिया है कि जनता को जनता नहीं रहने देने के लिए आपको रोज ऐसे मुश्किल बहसों में फंसाया जा रहा है। आप फंसना चाहते हैं, फंसिए। मेरे अंदर 100 कमियां हैं, आपके अंदर 100 कमियां, आप लड़ना चाहते हैं, लड़िए। 1000 रुपया जो बच जाए मुझे भेज दीजिएगा। थैंक यू।